मैं अभी आया हूँ ऊपर, तो अभी भी मैं इनको बंद किया हुआ था इधर, तो अभी धूप आ गई है। ठीक है, तो इस साइड से इनको अभी चेंज करते हैं जगह। तो पीलू को जो है हमने इधर छोड़ा हुआ है, वाइट वाली मुर्गी तो हमारे दोबारा अंडे देने लग गई है, सिर्फ वही दे रही है और तो कोई भी नहीं दे रहा। तो वो जावा तो स्लेटा है, माती जो है वो इधर है, वाइट पट्टी इधर है। तो बाकी करते हैं, कल जो मेडिसिन मैंने इनको दी थी उससे तो हल्का सा फ़र्क पड़ा है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है बजाई है, देखें तो अभी इनको मैं जो है थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज भी और कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी मैं क्या थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा हल्का हो तो फिर जो है ना जाता हूँ छत पे। और अभी मैं आया हूँ, देखा पहले इनको मैं पानी वगैरह रख गया था, इनके आगे पानी वगैरह डाल गया था, तो मैं कहा चलो बाद में बाकी इनको खोलते हैं। तो इसको पहले खोला हुआ था मैंने, फिर इसको बंद किया, उसको खोला है, अभी इनको सुबह से ही बंद किया हुआ है। ये जो है ना ये बहुत मस्तियाँ करते हैं, तो इसलिए इनको मैं बंद ही रखता हूँ ज़्यादातर। तो अभी जो जो हमारा कबूतर है वो बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसको भी देखना है, पानी शानी पिलाते हैं उसको भी, तो उसको भी पानी शानी पिलाते हैं, ठीक हो गया। हवा तो यार बिल्कुल ही जो है ना वो बंद थी, ये देखें जैसे ही मैंने हवा का बोला बंद थी तो साथ ही मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है, एकदम से धूप गायब हो जाती है और जो है वो छाँव हो जाती है, हल्की हल्की हवा चलने लग गई। तो ये जो है ना ये जो जिसके पाँव पे जो थोड़े से बाल वगैरह है ना, पर वगैरह हैं, जो ये वाला जो है बीमार हुआ हुआ है, खाता पीता कुछ भी नहीं है। तो कल मैंने इसको दाना वगैरह खुद हाथ से खिलाया, इसके चोंच जो है ना मुँह में डाला है इसको दाना वगैरह। तो बाकी अभी करते हैं, तो बाकी जो हमारे कबूतर वगैरह वो तो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है, इसको थोड़ा सा कल थोड़ी ट्रीटमेंट वगैरह की है इसकी, तो अभी घूम रहा है आगे पीछे, अभी ठीक है थोड़ा बहुत, अभी इंशाल्लाह इसको और थोड़ा सा खिलाते हैं, तो खिला के जो है वो इसको देखते हैं। तो बाकी जो है हमारे कबूतर वगैरह वो सारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। फ्रंट से आती है हवा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट जो है ना पूरा जो है हमारा ये जाली है ना, तो फ्रंट से आती है। उस साइड पर जो है वो देखें आप, लगी हुई है खिड़की, खिड़की लगी हुई है तो जाली वाली इस साइड से आती है, इस साइड से थोड़े हल्के बल्के सुराख वगैरह है। तो बाकी अभी मैं इसको फिर से वो ट्रीटमेंट करूँगा, ठीक है, अभी जो है ना मैं इसका करता हूँ थोड़ा सा इसको खिलाता हूँ, तो ये जो है उसको देते हैं मेडिसिन देते हैं, ताकि जो इसका मामला है अंदर से वो रिकवर हो जाए। तो बाकी उनको भी मैंने अब जो है अपने तमाम परिंदों को आधी आधी फ्लैचर की गोली ला के दूँगा, एक गोली का चौथा हिस्सा वो ला के मैं अभी उनको भी उनके आगे भी डालता हूँ, मुर्गों को सबको दूँगा, तो वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो पहले मैंने मेडिसिन दी थी वो, और एक और अभी फ्लैजर उनको दूंगा, ये दो तीन गोलियां देनी पड़ती हैं ताकि उनका जो है ना मोशंस वाला जो सिस्टम है वो सेट रहे, क्योंकि बीमारी से पहले इनको जो है ना मोशंस की जो है वो बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, कबूतर हों या ये हों अपना मुर्गे हों। तो जैसे कि मुर्गे आपके या कबूतर आपके अगर मोशन जो है वो इनको लग गए हैं, तो इनका फौरी इलाज करें, मेडिसिन वगैरह उनको दें, ताकि ये इनका रिकवर हो सके, बीमारी में ना पड़ सके। तो मौसम की चेंजिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह लगा कबूतर है जी, ले जी अभी तो जो है मैंने वो वाइट वालों को इधर बंद कर दिया, साथ में पानी मैंने रखा हुआ है लाजमी, ताकि ये पीते रहें, तो प्यास इनको लगे तो पीते रहें पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए साथ पर साइड पे मैंने जो है ना पानी भी रख दिया, बर्तन दूसरों को भी आगे ऐसे पड़ा हुआ था। तो अभी जो है ये मैंने बोरी डाली हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने गीला कर दिया ना, ताकि पाँव इनके ठंडे रहें और दिमाग भी इनका ठंडा रहे, सांस ले रहे हैं ना ये भी इनका ठंडा हो। और इस साइड पे ही मैंने बोरी डाल दी है नीचे, ऊपर गीली कर दिए, काफ़ी ठंडी हो गई है जी अभी बोरी, ठीक है। तो साथ साथ ये है मैं शावर के साथ ये डालता रहूँगा पानी, तो ये गीली रहेगी, शाम को फिर इसको उठा देंगे, अभी दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अभी ये देखें सांस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसका हल ये था कि केजेस में मिट्टी हो, वैसे तो ज़्यादा जैसे वो मिट्टी पड़ी है ना वो मिट्टी होनी चाहिए, और उसको हल्का हल्का गीला कर देना चाहिए, ताकि जो है ये इनको गर्मी महसूस ना हो। अगर वो नहीं है तो फिर जो है केजेस में ऐसे बोरी, ज़्यादातर बोरी हो ना इस तरह की, तो ये गीली ज़्यादातर देर तक मतलब है कि रहती है, ज़्यादातर तक गीली रहती है, ये जो है ना ये जल्दी सूख जाती है, ठीक है। प्लास्टिक की है ना वो जो है वो धागे से बनी हुई है,
ठीक है, सूत्री की जिसको बोलते हैं, सूत्री की बोरी इसको बोलते हैं। तो ये देखें अभी इसके पाँव जो है ना लाल हुए हैं, ठंड मतलब इसको महसूस होगी हल्की हल्की, गर्मी ज़्यादा इनको नहीं लगेगी। तो ये बैठी हुई है मुर्गी आराम से, तो नीचे इनका जिस्म जो है ना वो ठंडा होगा गर्मी से, तो बचे रहेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो है शाम को मैं इनको अभी फ्लेचर के जो होता है सीरम वो ला के इनको अपना आधा आधा सीसी दे दूंगा, या गोली होगी तो गोली चार चौथा हिस्सा इन सबको दे दूंगा, एक एक इसको चौथा हिस्सा दूंगा, बाकियों को जो है आधा आधी आधी दूंगा, दो मतलब दूसरा हिस्सा, बड़े जितने भी हैं उनको दूसरा हिस्सा दूंगा, छोटी वाली को चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा मतलब गोली के जो बिल्कुल आखिरी कोना होता है ना चौथा, वो देना है वो इस उम्र के तकरीबन 7-8 महीने के बड़े जो हैं उनको मैं आधा आधा दे दूँगा, तो इनके मोशन जो हैं वो उससे भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो सिरप में अगर आपके पास हो फ्लेजर का तो वो भी बेहतर है, वो आधा सीसी आपने देना है, ठीक है। सब जितने भी परिंदे हैं बड़े, आधा सीसी, ज़्यादा नहीं देना इसलिए। और पौधे भी जो हैं माशाल्लाह हमारे, देखें जी लेमन ग्रास, ठीक है, इसकी जो है ना खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। तो साथ में जो है ना हमारा ये आम का पौधा भी निकल चुका है, ये देखें आम का पौधा, ये किसी ने आम की गुठली जो है ना वो डाली थी तो आम का पौधा इसमें से निकल आया, चलो अच्छा है, बेहतर है। तो बाकी पौधे भी जो है हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, इसके साथ जाली लगाई हुई है फिर भी हमारी वाइट वाली मुर्गी है, बाकियाँ नहीं मस्ती करती इतनी, वाइट वाली जो है ना वो बहुत मस्ती करती है, इसको खाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खोला तो मस्ती करती है, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। तो बाकी अभी मैंने इसको पानी वगैरह पिलाया, ठीक है, अभी नमाज़ का टाइम है तो नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर जो है मैं इसको रोटी खिलाऊँगा, हल्की जी जहाँ सरी लैग बना के ना इंजेक्शन के साथ इसको दूंगा ताकि इसकी ताकत आए इसके अंदर, तो ये भी करेंगे इंशाल्लाह। मेडिसिन खिलाने पिलाने के बाद फिर जब दूंगा फिर आपको बताऊंगा कौन सी देनी है। जी अभी पीलू को खोला है जी हमने, और पीलू जो है ना अभी आस्ता आस्ता जो है ना आराम आराम से इसके पास चुटकी बजाओ तो ये घूमता है, अभी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, अभी जो है ना बच्चे भी शोर शराबा कर रहे हैं साथ साथ, बुतरों ने अपना दाना पानी खा लिया है, ध्यान दाना पानी खा लिया, रोटी पड़ी हुई है, और उसने जो है ना खुद ही अभी खाना पीना किया अभी, तो अभी माशाल्लाह सेट है, ठीक हो गया, अभी ध्यान कर रहे हैं लेकिन ऐसे ये भागता है इसके, ऐसा नहीं बिल्कुल आराम से करो ना, घूमता है चुटकी पे। पंखा लगाया हुआ जी हम लोगों ने, और साथ साथ ये वाइट वाली को पता नहीं क्या मसला क्या है इसको, ये बाहर आने की इतनी कोशिश करती रहती है, ये कहती है बस बाहर ही निकालो मुझे, इनको पहले बांध कर दो, ये लकड़ी इसलिए रखी हुई है कि पहले भी उसने जो है ना ये स्लेटी चावल ने उसको मारा था तो वो बाहर निकल आई थी जी। अभी शाम का टाइम है तो सारों जो है मेरे परिंदों को जो है अभी आस्ता आस्ता बंद कर रहा हूँ, तो उनको जो है अपनी जगह पे बंद कर दिया, वाइट वालों को नीचे बांध के, इनको मैं नहीं खोलता होता, अब ये जो है ना पौधों में घुस जाते हैं तो मस्तियाँ करते हैं, इनको बंद ही अच्छे हैं ये, ज़्यादा खोलते ही नहीं हो, बस 5-10 मिनट के लिए खोलता हूँ फिर बंद ही कर देता हूँ, ताकि जिनकी मस्तियाँ जो है ना थोड़ी सेट हों, तो जो बंद ही रखूँगा अभी मैं, तो मस्तियाँ करती है। तो वाइट वाली को मैंने इधर बंद किया हुआ है, अभी इसको भी खोलते हैं जी, तो बाकी जो है ये इधर घूम रहे हैं, ठीक है, ये इधर घूम रहे हैं, स्लेटी इधर घूम रही है, इधर साइड पे लाइट तो लगा दी है लेकिन अभी नहीं लगाई, अभी साइड वाली लगाई हुई है सिर्फ, तो ये अभी बाद में लगाएंगे, तो अभी थोड़ा सा मैंने कहा चलो शाम का टाइम है काम वगैरह से मिलते हैं ज़रा सा। तो ये मुर्गे शुरे जो है वो बंद कर दिए, अभी ये स्लेटा जो है ना वो पानी पीने की कोशिश कर रहा है, तो अभी इसके जगह पानी रखते हैं, पानी नहीं रखा हुआ था तो पानी रखते हैं जी, ठीक है, तो यही वाला जो है ना नीचे रख देते हैं थोड़ा सा, बाद में जो है फिर रख देंगे, ये ले भाई पी ले, चल पी ले, प्यास लगी हुई है इसको, ये ग्लूकोज वाला पानी मैंने रखा था तो ताकि ये पीते रहें, ज़रा गर्मी इनकी दूर हो जाए। हाँ भाई सेट है ना, ठीक है ठीक है, अच्छा जी। तो मैं अभी कबूतर को देखते हैं जो बीमार था हमारा, अभी उसको देखना है, हमने मुर्गे सारे बंद कर दिए, तो जैसे ही मैं लाइट लगाता हूँ फिर खड़े हो जाते हैं, उसको प्यास लगी हुई थी, वो चलो अपना जो है वो करेगा, खाना पाना खा लिया उसने,
तो वाइट वालों तुम लोगों का जो है ना काम ख़राब है, तुम लोग मस्ती करते हो, भाई रबू के पौधों में घुस जाते हैं तो सारा जो है ना निज़ाम धर्म भरम करके रख देते हैं। इनके आगे भी रोटी डाल देता हूँ, रख देता हूँ अभी, ये है भूख लगे तो खाते हैं, फिर वैसे नहीं खाते, अभी भूख लगी है ना माशाल्लाह तो खा रहे हैं, ऐसी रोटी को मुँह भी नहीं लगाते। खाओ खाओ बच्चे, खाओ रोटी खाओ, सेहत बनेगी, मज़े करो। कबूतरों वाली साइड पे जो है ना लाइट बंद है नीचे से, तो मैंने फ्लैश ऑन की है मोबाइल की, तो ये देखें ये अभी तक जो है ना नवाब साहब जो है ना बाहर बैठे हुए हैं। चलो भाई की लाना तुसा इतूँ, चलो शाबाश, चलो 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 शाबाश, चलो जाओ। अच्छा किधर है भाई वो दूसरा हमारा जो बीमार वाला है, सेट हुआ है कि नहीं हुआ, पता नहीं किधर बैठा हुआ है, अभी देखना पड़ेगा कहाँ है भाई। बाकी तो सब अपने अपने जो है ना वो पेटियों में बैठे हुए हैं। गायब ही हो गया यार, अरे किधर चला गया, कहाँ हो, ढूंढते हैं अभी उसको। मेरा ख्याल है कि भाई ने जो है ना वो कहीं और बन किया होगा ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, यहाँ पर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलो देखते हैं उसको किधर है, वो ढूंढते हैं अभी। तो सलेटी मादी को अभी मैं थोड़ा सा अलग रखता हूँ ताकि ये खा पी लें, मुर्गा जो है ना कभी कभार इसको मारता है, तो मारता नहीं है बस पास जाता है तो वो डरती है थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ अभी मैं अलग, ताकि ये थोड़ा खाई पिए तो डर जाती है ना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो गर्मी में जो है खसूसन आप कुछ परिंदों का ध्यान रखें, इस टाइम में थोड़ा सा शावर कर देता हूँ उनके परों के नीचे, तो थोड़ा सा टेम्परेचर इनका जो होता है ना वो नॉर्मल हो जाता है, उसकी वजह से नॉर्मल हो जाता है। और आज की वीडियो जो हमारी यही थी कि गर्मी से जो है वो बचाना कैसे है, तो यही थी, बोरियाँ वगैरह रख दिया करें केजेस में और थोड़ी बहुत गीली कर दिया करें, ये बोरी देखें अभी तक शहरों से जो है थोड़ी बहुत गीली है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो पिंदा जो होता है ना वो ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं करता। तो बहरहाल यह कि कोशिश किया करें कि ठंडी जगह हो, अभी तो हमारा ऊपर शेड बन गया, ठीक है, तो शेड की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया हमें, गर्मी नहीं होती, धूप भी ज़्यादा नहीं आती यहाँ पर, वहाँ पर धूप भी इतनी नहीं आती थी लेकिन बारिश का पानी वहाँ पर आता था। तो बहरहाल चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।